तो भाई लोग क्या हाल चाल, आई होप सभी बढ़िया होंगे। और क्या बढ़िया नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ, ये गेम प्ले देखिए पक्का बढ़िया हो जाएगा। अब ऐसा इस गेम प्ले में क्या होता है भाई, इस गेम प्ले में क्या सीन है भाई, वापस से मैं खेल रहा हूँ रैंडम के साथ, और ये जो रैंडम है ना भाई साहब बहुत खतरनाक होने वाले, क्योंकि जनरली मैं रैंडम के साथ खेलता हूँ तो बंदे बोलते हैं भाई तू नूब बनने की एक्टिंग कर रहा है, ये वो है फलाना ढिंकाना, लेकिन भाई साहब इस गेम प्ले में उल्टा होता है भाई। इस गेम प्ले में मैं बंदे मारता हूँ तो मेरे बंदे बोलते हैं भाई तू हैक करके खेल रहा है, नहीं मतलब मैं बंदे पेलता हूँ मेरे टीममेट मेरे को हैकर बोलते हैं भाई, बोलते हैं भाई तुम हैकर हो ना नंबर टू। मैंने कहा भाई साहब इतना टैलेंट कैसे भाई कैसे, मतलब सीरियसली मुझे लगा भाई साहब ये बोलेंगे भाई तुमने नूब वाले कपड़े पहने के तुम पागल ना रहे हो ये वो फ्लानिंग का ना, मतलब मैंने फुल एक्टिंग करी, मैं उनके सामने नूब बन के चल भी रहा था। लेकिन भाई साहब इन बंदों का एक बात में जाके अलग ही जवाब आता है, तो बंदे बोलते हैं भाई तुम हैकर हो, मतलब सही में यार सीरियसली यार वो सीन देख के आपको बहुत मजा आएगा। और मैं सही बता रहा हूँ मैं इस गेम में कम से कम 3 बार नॉक हुआ हूँ और बंदे भाई उसके बावजूद मेरे को हैकर साबित कर देते हैं। फिलहाल की बात करूँ तो देखो यार मैं इनके सामने भाई बड़े प्यार से नूब बन एक्टिंग कर रहा हूँ, आराम से धीरे धीरे चल रहा हूँ दीवार के तुम घिसट के, तो यार ताकि इन्हें लगे कि मैं सही में नूब हूँ, और असल में ये मान भी लेता है कि मैं नूब ही हूँ। खैर फिलहाल की बात करें तो हमने फटाफट यहाँ पर लूट वूट कर ली, और भाई साहब हम और नंबर वन भैया यहाँ से गाड़ी लेकर रवाना हो जाते हैं जॉर्जपुर की तरफ। और तब भी देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, अब मैंने काफ़ी देर तक फायरिंग करी ही नहीं ताकि मुझे नंबर वन बोले भाई फायर कर मतलब सही में नूब समझे इस चक्कर में। लेकिन भाई साहब जब उनने भाई सही में एचपी कम कर दी और अच्छे खासे बंदे थे, पहले मेरे को लगा एक आधी बंदा होगा, लेकिन जब मुझे पता चला भाई साहब एक से ज़्यादा बंदे हैं तो मैंने कुछ शॉट लिए, लेकिन भाई साहब उनने मेरी एचपी इतनी कम कर दी कि भाई नॉक होते होते बचा। खैर फिलहाल क्या करते तो बंदे वहाँ पे अपनी गाड़ी देकर रुक जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो मिड रेंज में थे तो भाई जाहिर सी बात है 5 की एमओ ही यूज़ करनी पड़ेगी, स्कारलेट वगैरह से ही मारने पड़ेंगे, और मेरे पास एमओ थी लिमिटेड, और उतने में कुछ बॉर्ड भी आके मेरी एमओ वेस्ट करा गए। अब मुझे एक बंदा स्पॉट होता है भाई स्काउट, क्या बात है, खैर जो भी तार नकली होगा आया जाए ऐसी बात है, अगर असली होता है भाई साहब क्या ही मजा आता। खैर फिलहाल असली तो खैर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है असली तो कहीं पेल लेते भाई हम। अब मैंने आप इनका एक बंदा नॉक जरूर कर दिया, लेकिन भाई उसे इजी रिवाइव मिल जाएगा, और उसके बाद भाई थोड़ी देर में ये बंदे यहाँ से गाड़ी लेकर रवाना हो रहे होते हैं और मैं अपना स्प्रे निकाल के तैयार था, लेकिन भाई साहब इनका एक बंदा वहीं उतर जाता है और दो बंदे गाड़ी लेकर यहां पर पहुंच जाते हैं। अब यार एमओ खत्म हो चुकी थी बिल्कुल भाई साहब, स्कारल में 9 एमओ बची हैं और 1 एमओ बची हैं भाई साहब, ठीक है 90 एमओ हैं, लेकिन फिर भी यार इतनी इनफ नहीं थी इनके खिलाफ स्प्रे देने के मुकाबले में। खैर फिलहाल देखो एक बंदा मेरे को यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया तो मैंने फटाफट एक ग्रेनेड को करा और यहाँ पे थ्रो कर दिया, लेकिन भाई सेम टाइम पे वो बंदा आ गया आता है। अब यहाँ पे मेरा नेट तो वेस्ट हो गया, लेकिन इतने में भाई मेरे टीममेट मेरे पास आते हैं तो अब कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो चुका था, लेकिन भाई अभी कुछ हादसा होने वाला है। अब यार एक बंदा जो पीछे रह गया था वही शायद बंदा उस वॉच टावर पे आके पहुंच गया था और उसने भाई वहां से जो कवर दिया भाई मेरा नंबर 3 भाई पूरा नॉक प्लस फिनिश हो गया। यार ये बंदा नॉक, और बारी थी बदला लेने की, और एक बंदा नॉक कर चुका हूँ और दूसरा बंदा भाई यहाँ पे टीपू ले रहा, तो चलो भाई इसे निपटाते हैं। अब भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जिस टाइम पे मतलब मैं गेम खेल रहा था भाई मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मैंने बंदा नॉक कराया कि नहीं कराया, क्योंकि मुझे लगा मैं ही नॉक हुआ हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर में मेरे को पता चल जाएगा कि मैंने भी बंदा नॉक कराया और जो दूर वाला बंदा था उसने मेरे को नॉक कर दिया था। अगर फिलहाल देखो भाई नंबर में बड़े जोश में जाता है और वो भी नॉक हो जाता है। अब सबसे पहले मैंने फटाफट हीलिंग करी और सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव देना प्रेफर करा, क्योंकि यार जोन के बाहर है और भाई डैमेज कुछ जाते जाता है, लेकिन इतने में नंबर 4 आखिरी बंदे को निपटा देता है, तो भाई ये स्क्वाड का सफाया हो चुका है। और अब तक मुझे मतलब इन बंदों ने कोई मतलब ना नूब समझा ना हैकर समझा ना प्रो समझा, मतलब नॉर्मली सब कुछ चल रहा है एकदम इक्वली टाइप चल रहा है, सब कुछ जैसा था पहले है वैसा ही है अभी भी। लेकिन इसके बाद अब जो नज़ारा आने वाला है भाई उसे देखकर इन्हें थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब 10% मान लो या फिर 20% मान लो इन्हें शक होने लगता है भाई साहब कि मैं हैकर हूँ। अब आपको एक गाड़ी तो सामने दिखी होगी, लेकिन हम इसे थोड़ा सा आगे और जाते हैं भाई हमें 2 गाड़ी और दिख जाती हैं। और अब देखो अब यहाँ पे 2 बंदे नॉक और इस वाले को पूरा फिनिश करा, और तभी मेरे को एक राइट साइड से भाई यूएमपी के कुछ शॉट्स आते हैं
और लग गया था हमने स्क्वाड का पूरा सफाया कर दिया एकदम से जाइए जल्दी जल्दी में। और अब मैं सही बता रहा हूँ यहाँ पे ने जो बोलते ना मतलब अरे हल्का हल्का धुआं दिख गया था भाई कि मैं हैकर हूँ या फिर कुछ भी हो भाई, पर इनके मन में एक शक बैठ चुका था भाई यहाँ पे। ठीक है अभी फिलहाल हम की फटाफट लूट करके भाई तुरंत यहाँ से रवाना होते हैं, कुछ ज़्यादा देर ओपन में रहेंगे तो भाई हमें कोई पेल देगा और कंटेंट तो फिर घंटा नहीं बन पाता। खैर फिलहाल देखो भाई हमारी गाड़ी में फ्यूल खत्म जाता है तो हम दो बगी उठा लेते हैं और जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ भाई साहब यहाँ पे पूरी स्क्वाड होती है और अपने टीममेट से बोलता हूँ भाई जल्दी आओ यहाँ पे बंदे मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही होने वाला है। खैर फिलहाल देखो नंबर चार मेरा नॉक हो चुका तो मैंने फटाफट उसे रिवाइव दिया क्योंकि भाई रिवाइव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी आप पक्के नूल होगे। खैर फिलहाल देखो मैंने आप एक ग्रेनेड थ्रो करा और फटाफट पुश कर देता हूँ और ये देख के नंबर वन भाई ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अब देखो भाई इसका ख्याल होगा, अब मैंने आप एक बंदा नॉक करा और मेरी हील बहुत कम और जोश दिखाते हुए नंबर वन घुस जाता है लेकिन उसे भाई नॉक होना पड़ता है। और अब मैंने जैसे हील करा मैंने वापस से रिवाइव दिया ताकि सही में लगूं मैं नूबू, लेकिन भाई इतने में नंबर चार घुस जाता है ऊपर और भाई उसे लास्ट बंदे को मार देता है। बस अगर मैं घुसता तो मेरे को भी किल मिल जाता लेकिन अभी मुझे नूब अपने आप को नूब साबित करना था। अब तक इन्होंने नहीं बोला कि मैं हैकर हूँ क्या हूँ लेकिन अभी मेरे को नूब साबित करना था तो मैं आराम से भाई रिवाइव दे रहा था। खैर फिलहाल देखो भाई वॉच टावर पे सेम टाइम पे एक गाड़ी आती है और ये पूरी स्क्वाड होने वाली है। अब मैंने यहाँ पे बंदे स्पॉट करने की कोशिश करी मेरे को नहीं दिखते तो मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ और तब भी देखो भाई यहाँ पे दो बंदे टीपी ले रहे होते हैं। अब मैंने यहाँ पे दो बंदे नॉक कर दिए और नंबर वन ने भी एक बंदा नॉक कर दिया और इतने में भाई हमारा नंबर चार नॉक हो जाता है फिर से। पता नहीं नंबर चार ऐसे मिलते क्यों। खैर फिलहाल जो भी था नंबर चार नॉक हो गया तो मैंने नंबर वन से बोला भाई रिवाइव दे दो रिवाइव दे दो, मैं आराम से बंदे स्पॉट कर रहा हूँ। भाई साहब मतलब कोई जाने को राजी नहीं हो रहा लेकिन फिर भी एट दी एंड नंबर वन चला आता है रिवाइव देने के लिए और भाई मुझे एक बंदा और स्पॉट होता उस टाइम पे। ये तो खैर नॉक वाला था। अब बंदा नॉक और मेरी हीलिंग काफ़ी कम थी, मैंने फटाफट हील करा और नंबर वन से बोल दिया भाई तू पुश मार मैं तेरे को कवर दे दूंगा। और बंदा कॉन्फिडेंस में आता है भाई साहब कि ये बंदा अच्छा खेलता है या फिर सही में हैकर है क्योंकि भाई अब इन्हें धीरे धीरे शक होना शुरू हो चुका है। खैर फिलहाल देखो भाई एक कैम में अब लग जाएगा मेरे सिक्स और भाई मेरे साथ देखो यहाँ पे क्या आशा होता है। हैकर वाला नॉक भैया मुंडी दिख रही थी इसलिए नॉक हुआ है। अब देखो भाई अब मेरे को यहाँ पे लास्ट बंदे की पोजीशन तो पता चल चुकी थी लेकिन भाई क्योंकि मैं ऐसी जगह पे लेटा था जहाँ से भाई वॉच टावर से मेरे पैर टकरा गए और मैं घूम ही नहीं पाया तो मैं नौका। खैर फिलहाल देखो मेरे टीममेट ने मेरे को रिवाइव दिया और फटाफट अपनी गाड़ी उठा के रवाना हो रहे हैं और जगह पे और जैसे इस तरफ आते हैं भाई साहब सामने स्क्वाड में फिर से बंदे हैं और ये भाई यहाँ पे दो बंदे और दोनों के दोनों अलग स्क्वाड के हैं। खैर फिलहाल देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कुक करा और थ्रो करना चाहा लोटस पे लेकिन भाई यहाँ पे एक स्कैम हो जाता है मेरे साथ। बंदा सेम टाइम पे नीचे कूदता है लेकिन भाई साहब जो भी है क्विक रिएक्शन दिखाया और मैं बच गया। और तभी देखो ये एक अलग स्क्वाड का बंदा था ये भी नीचे कूद जाता है डर के मारे और हम इसे भी खाया थे। अब देखो भाई वो अल्फाज आने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे फ्लेयर गन थी तो मैंने चलाई और अब वो अल्फाज आने वाले हैं जहाँ पे हमें भाई हैकर साबित करा जाता है। हेलो भाई नंबर 2 हैकर के खेल रहा है ब्रो। एक्सीलेंट वर्क भाई जहाँ पे मार्क किया वहीं पे एनिमी है। अब ये मेरे को हैकर समझ के इस तरह पोजीशन बताता है कि भाई एक बंदा यहाँ पे लेकिन मैं उसे बोलता हूँ भाई मैं सस्ता हैकर हूँ और मैं इतने मिड रेंज में बंदे नहीं मार पाता क्योंकि मेरा डिवाइस बहुत ज्यादा लैग होता है। भाई तभी बोल रहा हूँ भाई तभी सोच रहा हूँ इतना जल्दी जल्दी स्कोर कैसे डालूँ। हाँ हाँ भाई दो नंबर हैकर के खेल रहे लेकिन कोई ना ब्रो हर मैच में जब मैं डुओ खेलता था हर मैच में हैकर आता था। अब ये बंदा शायद से डुओ रैंक पुशिंग कर रहा था तो अपनी कहानी सुना रहा था दुखभरी सी भाई कि हमें भी भाई हैकर मिलते हैं हर दूसरे गेम में तो मैं से बोलता हूँ भाई प्लीज मुझे रिपोर्ट मत मारना भाई मैं जस्ट ऐसे फन के लिए खेल रहा हूँ आपको मैं चिकन दिला दूंगा। और तो अभी गेम भी खत्म नहीं हुए तभी से भाई ये लोग प्लानिंग करने शुरू कर दिए भाई साहब कि अगली गेम भी हमारे साथ खेलना। और भाई तभी देखो मेरे को यहाँ पे
वो बंदा स्पॉट होता है जो उसने पहले मार्क लगाया था। खैर फिलहाल देखो थोड़ा सा डैमेज था तो मैं फटाफट से पुश कर देता हूँ ताकि इन्हें बता सकूँ कि भाई मैं सही में हैकर हूँ। और मैं इनसे बोलता हूँ भाई आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बंदे मैं सारे पेल दूंगा ताकि मेरे किल चोरी ना होगा। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो मेरी निंजा टेक्निक। खैर फिलहाल देखो जैसे मैं इस तरफ आया भाई, भाई ये बंदे फायर करते, मेरे को तो बंदा अब तक स्पॉट हुआ ही नहीं था। खैर लेकिन फाइनली जब स्पॉट हुआ भाई, ये लोग कहते हैं भाई तुम सही में हैकर हो, हमें तो बंदा लेटा हुआ दिखाई भी नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई यार क्या बोलूँ, बस चलता है। खैर फिलहाल देखो मुझे दूर रेंज में यहाँ पे टैप टैप फायरिंग के साउंड आते हैं और मैं आगे वाले घर में चलता हूँ भाई, ताकि भाई यहाँ पे कोई बंदा दिखे तो मैं बड़े प्यार से नॉक कर सकूं। और अब जैसे मैं इस घर में आता हूँ, मेरे को सामने एक बंदा दूर वादियों में दिख जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक बंदा नॉक कर दिया और मैं इनसे बोलता हूँ गाइस यहाँ पे एक बंदा मैं नॉक कर दिया और दूसरा बंदा थोड़ा रिच के नीचे है वरना मैं उसे भी मार देता। तो मैंने फटाफट इनसे बोला कि चलो फिले की तरफ चलते हैं भाई, वहीं पर हम होल्ड करें क्योंकि भाई हम वहाँ पे जोन में रहेंगे और इनका जोन ब्लॉक कर पाएंगे। तब भी देखो भाई मुझे यहाँ पे कुछ शॉट आते हैं भाई, बंदा सेम टाइम पे हिल जाता है आगे तरफ। खैर फिलहाल जो भी था बंदा भाई, अब देखो यहाँ पे इसके साथ क्या स्कैम होने वाला है, इसके साथ क्या स्कैम तो खैर मेरे साथ होने वाला है क्योंकि भाई अब भी देखना ये बंदे का नेट कितना फ्लक्चुएट होगा क्योंकि मैं इस पे इतने शॉट लेता हूँ भाई, बंदा तब भी नॉक ही नहीं होता है। अब तुम बताओ क्या मेरे शॉट में कमी थी या फिर इसके नेट में। अब पता नहीं मेरा नेट खराब था कि इसका नेट खराब था भाई साहब, क्योंकि मुझे पर्सनली लग रहा था भाई ये फ्लक्चुएट हो रहा था तभी मेरा एम इस पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। खैर फिलहाल जो भी है भाई नेट खराब है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब कवर यहाँ पे सिर्फ एक ही है ये शैक, तो मैंने फटाफट एक ग्रेनेड को करा और यहाँ पे थ्रो कर दिया और सेम टाइम पे राइट साइड में इसका दूसरा बंदा भाई डीपी से मेरा टीममेट नॉक कर दिया। तो कुल मिलाकर ये स्क्वाड का सफाया यहाँ पे हो चुका है। और अब मैं अपने बंदों से बोलता हूँ गाइस मेरा डिवाइस बहुत ज़्यादा लैग मार रहा है, मेरे को डंडियाँ दिख नहीं रही हैं, मतलब डंडियाँ जिगजैग हो रही हैं। और तभी अब ये बंदा तो नॉक हो गया, लेकिन इसके बजाय कुछ दो टीममेट भाई आसपास ही थे, लेकिन मैं इतने बंदों से नाटक कर रहा था भाई, अपने बंदों से बोल रहा था भाई मेरा गेम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, मेरे को भाई बंदों की डंडियाँ नहीं दिख रहा, टावर दिख नहीं रहा ढंग से। और ये बंदे मान ही रहते हैं, कर भाई कोई बात नहीं आप आराम से मारो कोई दिक्कत नहीं। और तब भी देखो मेरा टीममेट यहाँ पे कुछ शॉट लेता है। अब क्योंकि भाई ये बंदा नॉक हो चुका था और ये भाई जान पे खेलकर शैक के पीछे जाना चाहता था, तो जाहिर सी बात है जो बचा कुछ इसका टीममेट होगा भाई 99.9% मैं श्योर था भाई शैक के पीछे होगा। तो मैं चल पड़ता हूँ भाई साहब हैकर वाले इरादे लेकर और भाई फेंक दिया मैंने यहाँ पे ग्रेनेड, पहुँचता जो कि है नहीं वहाँ तक, लेकिन फिर भी भाई साहब अब देखो भाई ये बचे कुछ दो बंदे ये पे टीवी ले रहे होते हैं। तो गाइस हो चुका है एक और फाइनली विनर विनर चिकन डिनर। अब इसके बाद मैं इन बंदों को लॉबी में बुलाता हूँ भाई और इन थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ, आप वो डिस्कशन की वीडियो भी सुनो। हेलो हेलो हाँ भाई। अरे भाई मैं हैकर नहीं था यार, झूठ मत बोलो यार भाई, सही में मैं हैकर नहीं था यार। ऐसा मैंने क्या करा जो आपको मैं हैकर लगा यार, नहीं तो इतना जल्दी जल्दी स्क्वाड खत्म हो रहा है। अरे तो आपके सामने तो मैं मार रहा था, मैं खुद भी तो नॉक हो रहा था, अगर हैकर होता तो सबको एकदम से हेड हेड पे नहीं मारता। सही है भाई मैं हैकर नहीं हूँ, ये मेरी न्यू आइडिया है, तो इससे मैं प्रैक्टिस के लिए खेल रहा था बस। ठीक है अच्छा अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है बाद में। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही भाई, कमेंट करके जरूर बताना गेम प्ले आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। और गाइस इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हो। और आज के बस इतना ही, मिलते जुड़े तो हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।